गंगा नदी की स्वच्छता और जैव विविधता के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन तथा भारतीय वन्य जीव संस्थान द्वारा जैव विविधता एवं गंगा संरक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। कार्यक्रम में 5 राज्यों में गंगा किनारे स्थित गांवों के स्थानीय समुदाय के बीच से गंगा के संरक्षक के रूप में गंगा प्रहरियों का चुनाव किया गया है। इनके चयन का मुख्य आधार गंगा नदी के प्रति आत्मीयता तथा गंगा की जैव विविधता के संरक्षण और स्वच्छता के प्रति उत्साह का होना है। ये प्रशिक्षित गंगा प्रहरी जहां एक ओर भारतीय वन्य जीव संस्थान की टीम द्वारा किए जा रहे गंगा के सर्वेक्षण में भागीदारी कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर गंगा की स्वच्छता तथा जलीय जीवों के संरक्षण और संवर्धन के लिए कार्य कर रहे हैं। साथ ही जन समुदाय को भी गंगा की जैव विविधता और संरक्षण के बारे में जागरूक कर रहे हैं। गंगा पर स्थानीय समुदाय की प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से निर्भरता को कम करने के लिए विभिन्न स्तरों पर आजीविका को बढ़ाने और कौशल विकास संबंधी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इनमें प्रशिक्षित होकर गंगा प्रहरी युवक तथा युवतियां एक सफल उद्यमी के रूप में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। तीसरा जो ये दौर है उनको मार्केट से जोड़ने का है। जो ये प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका इकोनॉमिक इनको कैसे निकालना है, मार्केट में उसको लेके कैसे जाना है और किस तरीके से उसको सेल करना है। गंगा प्रहरियों के द्वारा बनाए जा रहे उत्पादों को पहचान दिलाने तथा बाजार उपलब्ध कराने के लिए भारतीय वन्य जीव संस्थान द्वारा जलज नौका के रूप में एक पहल की गई है, जिसके संचालन में गंगा प्रहरी युवक और युवतियां सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। जलज के माध्यम से न सिर्फ गंगा के किनारे रहने वाले समुदाय के उत्पादों व सेवाओं को बाजार मिल रहा है, बल्कि वाराणसी में आने वाले पर्यटकों को गंगा की जैव विविधता और उसके संरक्षण के बारे में जागरूक किया जा रहा है। गंगा प्रहरियों के द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में जानकर गंगा में मिल जाने वाले प्लास्टिक का सर्वेक्षण कर रहे नेशनल ज्योग्राफिक चैनल के प्रतिनिधियों ने भी गंगा प्रहरियों के साथ गंगा स्वच्छता व संरक्षण के लिए किए जा रहे कार्यों के विषय में चर्चा की व उनके कार्यों को सराहा। उन्होंने जलज पर गंगा प्रहरियों द्वारा दी जा रही सौंदर्य एवं स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं का भी लुत्फ उठाया। यही गांव के लोग आज नेशनल ज्योग्राफिक की टीम के साथ उनको असिस्ट कर रहे हैं, उनका जो सोर्स टू सी प्लास्टिक एक्सपेडिशन होने वाला है। तो स्थानीय जो गंगा प्रहरी हैं वही सोशो इकोनॉमिक सर्वेस कर रहे हैं, वही उनके जो मोबाइल एप्स हैं उनको हैंडल कर रहे हैं, और उसके अलावा जो जलज हमने बनाया था उसको भी पूरा गंगा प्रहरी मैनेज कर रहे हैं और अपनी जीविका का भी जो है साधन को जुटा रहे हैं। हम लोग जो है जलज में बैठे हैं। जलज का काम ये है कि लोगों तक ये बात तक पहुंचाना कि गंगा जैसे कि दूषित होती जा रही है और दूषित है भी, तो उसे हम कैसे उसे दूषित होने से बचा सकते हैं। तो अब हम ये जलज जो है हम लोगों को मिला है, तो हम लोग जगह जगह जाकर ये बता सकते हैं कि हाँ जो गंदगी है उसे कैसे साफ किया जा सकता है। दूरदर्शन द्वारा बनाए गए ट्रैवलॉग रग रग में गंगा में भी गंगा प्रहरियों के द्वारा किए जा रहे कार्यों को दर्शाया गया है।
कुंभ को दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन माना जाता है। इस समय गंगा में प्रतिदिन लाखों लोग स्नान करते हैं। इस वर्ष प्रयागराज में हुए कुंभ में 149 गंगा प्रहरियों ने लगातार 45 दिनों तक श्रद्धालुओं को गंगा स्वच्छता तथा जलीय जीवों के संरक्षण के विषय में जागरूक करने के लिए सक्रिय भागीदारी निभाई। संगम एरिया में जहाँ पर फूल का बिखराव पाया जाता है, हम लोग उसको फूल इकट्ठा करते हैं और जो फूल क्या कहते हैं नदी में बहता रहता है, हम लोग नेट के सहारा लेकर उसको इकट्ठा करने के बाद उसको बारी बारी से हम पूरे अपने टीम के साथ में ले जाकर डस्टबिन तक पहुंचाते हैं। गंगा प्रहरियों की लगातार प्रयास से कुंभ में लाखों लोगों तक गंगा स्वच्छता एवं जैव विविधता संरक्षण का संदेश पहुँचा। कार्यक्रम के अंतर्गत चयनित ये गंगा प्रहरी गंगा की स्वच्छता एवं संरक्षण के प्रति प्रतिबद्ध हैं और निरंतर इसके लिए कार्य कर रहे हैं। जो गंगा प्रहरियों ने कुंभ में योगदान दिया और वहाँ पर उन्होंने गंगा टास्क फोर्स के साथ और मेला अधिकारी के साथ मिलके अपना पूरा पूरा सपोर्ट कुंभ मेले में दिया, जिसमें कि उन्होंने अवेयरनेस के कार्यक्रम करे, स्वच्छता के कार्य करे और ये भी कोशिश करी कि किसी तरह भी जो एक्वेटिक बायोडायवर्सिटी है उसको कोई नुकसान ना पहुंचे। लोगों को बहुत असिस्ट करा, जो भी वहां पर लोग आए उनको रास्ता बताना, उनको अवेयरनेस करना, स्वच्छता के कार्य करना, कोई खो गया, किसी का कोई सामान खो गया, तो ये फीलिंग है उनकी अटैचमेंट के गंगा के साथ। और वो कोई भी काम करे अपने जीवन में, किसी भी व्यवसाय में हो, वो गंगा प्रहरी तो रहेंगे और गंगा के लिए उनके जो ये एक डेडिकेशन है वो हर वक्त रहेगा। हम लोग बहुत एनकरेज फील कर रहे हैं और इसी प्रोग्राम को हम पूरी गंगा बेसिन में अप स्केलिंग करना चाह रहे हैं और हमारा टारगेट है कि करीबन 10,000 गंगा प्रहरी पूरे बेसिन में काम करें और गंगा और उसकी जो सहायक नदियां हैं उसको रेस्टोरेशन में हमारी मदद करें और NMCG की मदद करें।